हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर धाकड़ रूपे। और आज मैं साउथ की मूवी लेके आऊँ जिस मूवी का नाम है मैराडोना। और इस मूवी को हमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, और ये मूवी हमको सब क्या नया दिखाती है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मूवी को देखते समय, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए रिव्यू शुरू करते हैं। और ये मूवी रिलीज हुई थी 2018 में और इस मूवी का जॉनर है थ्रिलर, ड्रामा, एक्शन, रोमांस। और इस मूवी को IMDb पे 6.4 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 की, और गूगल यूजर ने इसे 89% के स्कोर दिए। भाई रेटिंग से समझ सकते हैं मूवी कितनी ऑसम होने वाली है। और इस मूवी का डायरेक्शन क्या है, विष्णु नारायण ने। और इस मूवी कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे टोविनो थॉमस, शरीना आर नायर, हीटो विल्सन। और ये मूवी भाई एक धमाकेदार बहुत बढ़िया मूवी होने वाली, और ये मूवी भाई आपको इम्प्रेस करने में ना कोई कमी नहीं छोड़ती। मूवी में भाई वो सब है जो आपको चाहिए। और इस मूवी की स्टोरी भाई एकदम यूनिक है, और जिस तरीके से भाई इस मूवी को पर्दे पे प्रेजेंट किया गया है ना, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और जब आप मूवी को देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि पूरी मूवी को ना भाई तीन पार्ट में डिवाइड कर दी गई है, और कैसे भाई सीक्वेंस के हिसाब से ना मूवी अलग अलग तरीके से सेट की गई है। और जब आप मूवी को देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ये सीन यहाँ खत्म हुआ था और दूसरा सीन वहां पे स्टार्ट हुआ था। और भाई मूवी से कनेक्ट होने में ना आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन भाई मूवी की स्टोरी सिंपल है, लेकिन भाई इस मूवी को प्रेजेंट थोड़ा अलग तरीके से किया गया। और ये पूरी मूवी ना टोविन थॉमस और उसका एक दोस्त है उसके कैरेक्टर के ऊपर बेस होने वाली है। कैसे कुछ पुलिस वाले ना इनके पीछे पड़ जाते हैं और वो ऐसा क्या करके भागे हैं, और अगर वो हाथ में आ जाते हैं ना तो भाई उनका मरना तय है। और इस मूवी में भाई आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, और ये मूवी भाई आप पे एक अलग ही छाप छोड़ती है। और अगर इस मूवी में टोविन थॉमस की एक्टिंग की बात की जाए ना तो भाई उनकी एक्टिंग बहुत लाजवाब है। और जब आप मूवी को भाई देखना स्टार्ट करोगे ना तो भाई आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि टोविनो थॉमस का जो कैरेक्टर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि स्टार्टिंग में एक सीन आता है जब एक छोटी सी लड़की से ना भाई किस तरह से बिहेव कर रहा होता है, और भाई कैसे उसके बाप को बुरी तरह मारता है। भाई वाला सीन देख के भाई एक तरह से भाई माइंड घूम जाता है कि यार मूवी में चल क्या रहा है। और अगर मूवी की हिंदी डबिंग की बात करें तो भाई मूवी की हिंदी डबिंग बहुत बढ़िया है। और अगर मूवी के फाइट सीक्वेंस की बात की जाए तो भाई मूवी में आपको फाइट सीक्वेंस बहुत कम देखने को मिलेंगे। और इस मूवी में जो टोविन थॉमस और उसका दोस्त है ना, वो दोनों भाई क्रिमिनल है, और दोनों भाई कैसे गाड़ियों की स्मगलिंग करते हैं, गाड़ियां चोरी करते हैं। इन दोनों को ना भाई जीप का बहुत शौक होता है, और वो एक जीप के लिए ना 5 लाख रुपए भी देते हैं, लेकिन उसका जो एक फ्रेंड होता है ना वो जीप बेच देता है। लेकिन जब वो एक कैरेक्टर से मिलते हैं ना कुछ पैसे लेने के लिए जाते, तो वो कैरेक्टर ना भाई एक जीप लेके आता है, और वो जीप भाई उनपे कितनी भारी पड़ जाती है। और मूवी भाई कैसे फिर आगे बढ़ती है, सारी चीजें आपको उस मूवी में देखने को मिलेगा। और भाई मूवी में जो टोविन थॉमस का कैरेक्टर ना पूरी मूवी में भाई उसके हाथ पे और पैर पे प्लास्टर देखने को मिलेगा, और कैसे भाई वो लंगड़ा के चलता है। और जब टोविन थॉमस को पता चलता है ना कि भाई अब कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी है, तो कैसे वो अपनी बहन को फोन करता है और अपनी बहन के पास रहने के लिए चले जाता है, और वहां पे उसके जीजाजी, उसकी बहन और उनकी एक बेटी भी होती है। और जो टोविन थॉमस के जीजाजी होते ना, वो बोलते हैं कि हम कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, और वो घूमने के लिए जब जाते हैं ना तो कैसे भाई पूरा घर ब्लॉक हो जाता है, और वो टोविन थॉमस का कैरेक्टर ना उसी घर में फंस जाता है एक कुत्ते के साथ। तो कैसे भाई पूरे टाइम बालकनी में रहता है, और जितने भी उसके पड़ोसी है ना उनसे उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है एक, और जो सामने वाले अंकल होते हैं ना उनसे भी उसकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। जो वो ना उन्हें सिगरेट का पैकेट देते हैं वो भी ड्रोन से, और बगल में एक लड़की होती है जो एक नर्स का काम करती है, जो अपनी दो फ्रेंडों के साथ वहां पे रहती है, और कैसे भाई वो उसको लाइक करने लग जाता है। लेकिन मूवी भाई आपको किसी भी एंगल पे बोर नहीं करती, और ये मूवी भाई एक एंटरटेनमेंट मूवी होने वाली है। ये मूवी भाई शुरू कब होती है, खत्म कब होती है, आपको यही पता नहीं चलेगा, और मूवी में आप इतना खो जाओगे। और पर्सनली ये मूवी भाई मुझे बहुत पसंद आई है, और इस मूवी को मैंने बहुत इंजॉय किया। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, वरना इस मूवी को देखने का ना आपका मजा खराब हो जाएगा। और ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, इस मूवी में कोई गाली गलौज, कोई एडल्ट सीन नहीं है। अगर ये मूवी आपने देखी है ना तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।